16 केरल आबादी के हमले और हत्या के लिए गिरफ्तार। केरल के अत्यापाडी में एक 27 वर्षीय मानसिक रूप से अयोग्य जनजातीय आदमी की हत्या के एक दिन बाद भीड़ के एक व्यक्ति ने मारे गए कम से कम 16 लोगों को पालक्कड़ जिले में गिरफ्तार किया गया। मधु को पलक्कड़ के नजदीक जंगल में घंटों तक गिरफ्तार किया गया था और कथित दुकान उठाने पर कथित तौर पर हमला किया गया था। किसी ने दोपहर के आसपास पुलिस को बुलाया, जब 27 वर्षीय पुलिस को पुलिस से हटा दिया गया था, वह उल्टी और ढह गई। जब तक वह 5 बजे अस्पताल ले जाया गया था, वह मर गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए पलक्कड़ के जिला पुलिस प्रमुख प्रतेश कुमार ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि मारने की वजह से मौत हुई थी। मधु के पास कई आंतरिक चोटें थीं, साथ ही साथ उसके सिर और सिर पर बाहरी चोट का निशान भी थे। भ्रष्टता के एक पूर्ण प्रदर्शन में कुछ लोगों ने स्वयं के लोगों को ले लिया, जबकि उन्हें भीड़ द्वारा हमला किया गया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इस घटना ने हमलावरों के खिलाफ कई मांगों की तेज मांग के साथ जन आक्रोश पैदा किया। केंद्र सरकार ने घटना पर राज्य से एक रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल ट्वीट करते हुए कहा, मैं कल केरल में एक जनजातीय के जंगली और क्रूर हमले से गंभीरता से परेशान हूँ, जो कैमरे पर कब्जा कर लिया गया है। हमें अपने समाज में बढ़ती असहिष्णुता से रक्षा करनी चाहिए। एक आवाज जो निरंकुश हिंसा के इन कृत्यों की निंदा करता है। कमेंट्स, यह पिछले कुछ हफ्तों में केरल में दर्ज तीसरे भीड़ हमले है। पिछले महीने पल्लीपुरम में एक भीड़ के सामने एक मानसिक रूप से बीमार महिला को पीटा और पीड़ित किया गया था। उसके पैर एक लोहे की कड़ाही के साथ जला दिया गया, जब सोशल मीडिया पर हमला का एक मोबाइल वीडियो परिचालित किया गया था। पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मामला दायर किया।